हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका प्यार सा चैनल नौकरी अलर्ट पर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे की आंसर की, जो आपके प्रीवियस ईयर ऑयल इंडिया के एग्जाम्स हुए थे उसके हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे, और इससे आप इस तरह अनुमान लगा सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे और आपको किस तरह के प्रिपेयर करना है। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। ये आपका इंग्लिश का है, इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड इस ब्लैंक में फिक्स होगा। तो आपका क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज सेल्फिशली कंसर्न्ड विद द वेलफेयर ऑफ अदर। जो पर्सन दूसरे के वेलफेयर से कंसर्न होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हुआ था वो है आपका एल्टरिस्ट। आपका सेकेंड आंसर होगा, सेकेंड क्वेश्चन आपका है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट वर्ड। इनमें से एक अल्टरनेटिव चूज करना है जो कि यहाँ पे प्लेस होगा। आई विल बी हैप्पी इफ ही डजन नॉट एस्क्राइब एनी मोटिव इनटू ए एक्शन। तो इसमें आपका इनटू की जगह टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से फ्रॉम द फॉलोइंग गिवेन क्वेश्चन चूज द सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है, ए पर्सन हु इज मेंटली इल, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका इनमें से करेक्ट आंसर होगा ल्यूनास्टिक। फोर्थ नंबर क्वेश्चन था आपका, इनमें से बताना है मिस स्पेल्स, मतलब इनमें से किस में गलत स्पेलिंग दिया हुआ है। सो आपका करेक्ट इसमें होगा, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इसमें फेनोमिनन का स्पेलिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर फोर, इनमें से आपको बताना है जो कि क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? ए मैन विथ ए स्ट्रो, जो टोटल आपका पूरा एक्सपीरियंस है, अनएक्सपेक्टली ही प्रूव टू बी ए मैन ऑफ ए स्ट्रो। तो क्या होगा, मतलब इसके मीनिंग होता है आपका वीक। इसी तरह क्वेश्चन फाइव में, इसमें आपको एरर बताना है, आप क्वेश्चन देख लो किस तरह से आया हुआ है। क्वेश्चन सिक्स में आपको बताना है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट इन द बॉल, जो बॉल में दिया उसको सब्स्टिट्यूट चूज करना है। ही इज ए मैजिशियन, इजेंट ही, आपका यहाँ पे आ जाएगा इजेंट, इट के जगह में आ जाएगा इजेंट ही, क्योंकि वहां पे ही है सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर एट है आपका, चूज द करेक्ट सिनोनिम, इसके सिनोनिम चूज करना है जो कि बॉल में दिया गया। सी इज एक्विज्ड ऑफ स्लैंडरिंग फॉर्मर बॉस। स्लैंडरिंग मतलब होता है डिफेंडिंग करना, डिफेम करना, या तो किसी को बुरा बोलना, तो उसका आपका सिनोनिम सेम वर्ड होगा आपका डिफेमिंग। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन में इसमें आपको मिस स्पेल बताना है, इनमें से रॉन्ग स्पेल किसका है? तो आपका अकॉर्डिंगली का भी सही है, फाइनली का, इंटेक्चुअल का भी सही है, एडामेंटली का स्पेलिंग आपका गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर टेन, इसमें बताना है आपका मीनिंग ऑफ ये आइडियम्स दिया गया है, उसका आपको मीनिंग बताना है। गिफ्ट ऑफ ए ग्रेव, इसका मतलब होता है फ्लुएंसी टू स्पीच। क्वेश्चन नंबर इलेवन जो दिया है आपका, इसमें आपको अरेंज करना है, जो आपका करेक्ट अरेंजमेंट होगा पहले स्टार्ट होगा, आई टोल्ड देम दैट चाइल्ड एज इनोसेंट एज ए As I was। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होगा, इसमें सिनोनिम बताना है, इंसिस्ट का सिनोनिम होगा आपका एंगर्स। सेम इसी तरह आपका 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस वो बताना है कि इसमें कौन सा गलत है, एरर कहां पर है। यहां पे एरर आपका होगा यहां पर डी पोर्शन, इन सर्विस नहीं होगा, सर्विसेस होगा। सेम इसी तरह आपको इसको अरेंजमेंट करना है करेक्टली, तो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस होगा, द प्रोडक्ट मैटर मोस्ट इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें आपको फिलिंग बताना है कि कौन सा
ऑप्शन सुटेबल है। तो आपका एक्वेसिस्टिक इज ए साइंस ऑफ साउंड, एक साइंस साउंड की स्टडी को बोला जाता है। ये आपके रीजनिंग की क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा आएगा। हाउ मेनी आइडेंटिफाई हाउ मेनी प्रोफेसर बट इंजीनियर एज वेल एज बट नॉट प्लेयर, कौन सा प्रोफेसर, इसमें आपका करेक्ट आंसर रीजनिंग के क्वेश्चन है और ये आप इसमें करेक्ट आंसर होगा जो 19 होगा। इसी तरह 20 क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये मैथ्स का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है सर्टेन नंबर ऑफ कैमल जिसकी इसमें आपको न्यूमरिक है जो कि आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है करने का मेरे पास, पर आप क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन है। सेम ये आपकी क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन फाइव स्टूडेंट गोज डिफरेंट परसेंटेज, फाइव स्टूडेंट ने डिफरेंट परसेंटेज में सानिया स्कोर मोर देन, ये आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर ये भी आपकी मैथ्स के क्वेश्चन है, इसमें आपका सर्टेन लैंग्वेज इफ इतना इसके मतलब 740 का मतलब फ्रूट्स है, इसके मतलब यह है तो इसी तरह आपको फ्रूट्स आर डिफाइन ये आपको बताना है। इसमें सेम आप देख सकते हो, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ आपको क्वेश्चंस आप देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन दिया गया इन द स्टैंडर्ड इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज द पोजिशन ऑफ जे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो आपको लेफ्ट साइड से 26 से माइनस कर देना है जो कि है उसमें आपको अल्फाबेट की नंबर बतानी है तो आपको होगा 8। ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये आपके मैथ्स की क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस की। ये देखिए आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, आप ऐसे तो बना सकते हो इजीली। देखिए सम कार आर ट्रक, फिर दिया हुआ है नो ट्रक इज बस, कोई ट्रक बस नहीं है तो आपको कंक्लूजन में दिया गया है सम बसेस आर कार, कुछ बस क्या कार है तो इसमें नहीं होगा आपका। फिर पूछा है नो कार इज बस, क्या कोई कार बस नहीं है, तो हम लोग जो श्योरली नहीं बताएगा इसमें कोई रिलेशन नहीं बताएगा तो हम लोग भी नहीं बता सकते, तो इसमें आ जाएगा या तो कुछ होगा या तो नहीं होगा, आइदर एंड आइदर वन और टू। If entry exits arrival departure and welcome तो इसके बाद क्या होगा farewell। If cloth measure and money count the weight मतलब उसका weight होगा, clothes measure किया था money को count किया था तो weight को क्या किया था weight का weight होता है। same इसी तरह ये आपकी reasoning की question है, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। देखिए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आई है मैथ की, ये भी आप इजीली कर सकते हो। ये आपकी कौन से चैप्टर की है, डिस्काउंट है प्रॉफिट एंड लॉस के, ये टाइम एंड स्पीच की क्वेश्चन है, ये मैथ्स की है आपकी, इजी है क्वेश्चंस आप कर सकते हो इजीली और मैं सॉल्व भी कराऊंगा। देखिए ये परसेंटेज के क्वेश्चन है, ये देखिए एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है सम ऑफ टू नंबर इज इतना एंड एचसीएफ इतना, तो आपको बताना है टोटल कितने पेयर्स हो सकते हैं तो आपको इससे एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। ए वेंडर सेल्स फाइव चिप्स 20% प्रॉफिट, हाउ मेनी चिप्स यू विल बाय फॉर ए रूपी, अगर वो फाइव चिप्स 20% पर गए तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है। ये देखिए रेशियोज के क्वेश्चन है एक्स वाई जेड, इसमें आपको वैल्यू पुट करके डायरेक्टली निकालना है, जैसे कि 3 के स्क्वायर हो जाएंगे प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, नीचे में आपके हो जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, जो y की वैल्यू लगा देंगे और 4xy को सॉल्व करने है तो आपके करेक्ट आंसर ये निकल जाएगी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है आपके, अरे ए लाइफ ये भी आपके मैथ्स के क्वेश्चन, अब आ जाएगी आपके थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हो। मैं आपको एक व्यू दिला दे रहा हूँ क्वेश्चन से, जैसे साइंस की भी क्वेश्चन आए थे कुछ कुछ, देखिए मैट्रिक्स के क्वेश्चन आए क्वेश्चन, देखिए ये भी आपके क्वेश्चन आए साइंस के क्वेश्चन है आपके, जैसे कि इसमें बताया गया आपका इन बेकिंग प्रोसेस क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन द पंच,
विच ऑफ द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग मेटल पाइप्स यूजली इन द फॉर्म्स ऑफ ओवरलैप ज्वाइनिंग ए मेकिंग द फिलर मेटल इन टू ए गैप बिटवीन द कैलिपरी एक्शन इज नोन एज, इसके इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इसको आपको सोल्डरिंग कहा जाता है। ए डैश कैन बी मेजर्ड द फ्लैटर्स ऑफ मशीन बेड, जो मशीन बेड की फ्लैटरनेस होती है उसको मेजर करने के लिए आप लोग इनमें से कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑटो कोलोमीटर। ये देखिए आपके डेरिवेशन के क्वेश्चन से मैथ के काफी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको जस्ट एक व्यू दिला रहा हूँ, आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आए थे। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हम लोग अब इसी तरह आपको डिस्कस करेंगे आगे भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस के, इस तरह के पेपर आते हैं एग्जाम में, आप देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन